और वहीं हमास से जंग के बीच इसराइल के शहर एश्कलोन को पूरी तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। हर तरफ सेना के जवान तैनात किए गए हैं। एक चेक पॉइंट पर सेना के जवानों को न्यूज 18 इंडिया के रिपोर्टर नीरज कुमार को एश्कलोन शहर से आगे बढ़ने से रोक दिया गया है। इन जवानों की ओर से हमारे रिपोर्टर को रोक दिया गया। क्या कुछ वहां हुआ, आइए आपको दिखाते हैं ग्राउंड जीरो से ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। तीन दिनों से लगातार बड़े हमले कर रहा है गाजा के उत्तरी दिशा में इसराइल, और इस वक्त हम लोग गाजा की सीमा से महज 30 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन सड़क पे इसका असर दिख रहा है। सड़क पे पूरा सन्नाटा है, इक्का दुक्का जो गाड़ियां आपको दिख रहे हैं, आगे एक मिलिट्री की गाड़ी आपको दिख रही है, और ये पीछे में ये जो बगल में हमारी गाड़ी गुजर रही है ये सिविल डिफेंस की गाड़ी है। आगे आपको चेक पॉइंट दिख रहा है। सड़क पे मुझे तेल अवीव से दक्षिण की तरफ आने में कोई भी गाड़ी नहीं दिखी। बिल्कुल आज हमले के बाद तमाम शहर के लोगों को हिदायत दी गई है दक्षिणी सीमा के कि वो अपने घरों के अंदर रहें, बहुत ज़्यादा निकले ना, जो सीमावर्ती गांवों के लोग हैं, सीमावर्ती शहरों के लोग हैं। और इस तरह से चेक पोस्ट हर जगह बनाए गए हैं, बीच बीच में ये चेक पोस्ट देख सकते हैं। ये हम पहुँच गए हैं करीब की सीमा में, यहाँ से थोड़ा दूर है अभी दक्षिण का सीमा, एश्कलोन साउथ का एरिया है और यहाँ चेकिंग चल रही है। ये एश्कलोन का इलाका है, एश्कलोन सीमा से 10 किलोमीटर की दूरी पे है और यहाँ हर तरफ मिलिट्री की गाड़ियां आप देख सकते हैं। न्यूज 18 इंडिया के कैमरे पे करम आपको दिखा रहे हैं। प्लीज डाउन द विंडो, बैक साइड विंडो, स्लोली 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 आप देख सकते हैं। इस तरह से शहर के बाहर गाड़ियां तैनात है, जवान तैनात है। आप जवानों को देख सकते हैं जो नीचे इस वक्त कुछ जवान सोए हुए हैं। तो ये पूरा शहर जो एश्कलोन 10 किलोमीटर दूरी पर है, लेकिन तमाम शहर, पूरा शहर बन गया है मिलिट्री जोन में।